Hello children, how are you all? I hope that you all are fine and healthy in your home with your family members. And I also hope that you all are be indulged with your learning. So, we are your teachers came to help you with the help of digital platform. So, I hope that we will be good together. Good morning, children. Myself, Mrs. Naina Khanna, I am your new Hindi teacher for this academic year for standard 3rd. So, we will start with our first chapter. First, I will show you your Hindi book that how it looks. Now, look, children. This is your front page of your book. Is it beautiful? Yes, it is very beautiful. Now, we will come to our index. This is our index of Hindi book. In Hindi book, total we are having 15 chapters. But today we are going to start with our first chapter, that is Kakku. So, children, first I will show you some pictures. Can you recognize which bird is this? Okay. First I will play one video for you, then you recognize. So children, let's back to our chapter. I hope you recognize that picture. So, you tell me which picture is this. तो बच्चों अभी हमने किसकी आवाज सुनी? कोयल की. तो आज हम पार्ट एक कविता कक्कू पढ़ने जा रहे हैं और इस कविता में बच्चे का नाम है कक्कू. तो बच्चों कविता शुरू करें. So let's open your books. Now we will start with our chapter. नाम है उसका कक्कू. कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता. नाम है उसका कक्कू. इसमें इस कविता में इस बच्चे का नाम क्या है? कक्कू. पर ये बच्चा दिन भर क्या करता है? रोता रहता है. लेकिन ये बच्चा दिन भर रोता रहता है, इसलिए हम इसे चिढ़ाते और कहते इसको सक्कू. हम इसे किस नाम से चिढ़ाते हैं? सक्कू. और नाम है उसका कक्कू. Now come to our second page, second paragraph. कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक टिटोली. कोयल की जो बोली होती है वो कितनी मीठी होती है, जैसे हमारी मिस्री होती है. यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक टिटोली. अगर हम इससे थोड़ा सा भी मजाक करते हैं तो ये भड़क जाता है. टिटोली मतलब मजाक करना, और अगर हम इससे थोड़ी सी भी टिटोली करते हैं तो ये भड़क जाता है. इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू. तो हम इसको कभी कभी क्या कहते हैं? भक्कू. क्या कहते हैं हम इसको? भक्कू. पर नाम है उसका कक्कू. नाउ कम टू थर्ड पैराग्राफ. कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को
अब से क्यों ना कहें हम जक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू कौन है? कक्कू वह है जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, जो बात बात में चिढ़ जाता है। रहता मुंह को सदा फुलाए, मुंह को सदा फुलाए रहता है। गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम जक्कू। ये झगड़ा करता रहता है तो अब हम इसको क्यों ना कहें जक्कू। नाम है उसका कक्कू, झगड़ा करता है तो क्या नाम दिया हमने इसको, झक्कू। पर नाम है उसका कक्कू। कक्कू का क्या मतलब होता है? कोयल। तो बच्चों कैसी लगी आपको कविता? और हमारी इस कविता के राइटर कौन है? रमेश चंद्र शाह। हमारी इस कविता के राइटर कौन है? रमेश चंद्र शाह। तो बच्चों अच्छी थी कविता? यस, वी एंजॉयड अ लॉट। ओके, नाउ चिल्ड्रन लुक, दिस इज योर हिंदी बुक फ्रंट पेज। ओके, व्हेन यू विल गेट योर नोटबुक्स देन यू विल डू योर वर्क इन दिस। टिल दैट, तब तक आपको आपकी जो भी सेकेंड क्लास की हिंदी की नोटबुक रिमेनिंग है आप उसी में ही वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब अवेलेबल हो जाएंगी आपको तब आप इसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके, टू लाइंस वाली नोटबुक है आपकी। तो अब हम इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कठिन शब्द। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? कठिन शब्द। पहला है मिश्री, पहला है मिश्री, दूसरा कक्कू, तीसरा चिड़ाते, चौथा मीठी, फिफ्थ भड़क, सिक्स्थ मुंह, सेवेंथ फुलाए, एट्थ दिन भर। बच्चों ये कठिन शब्द हैं, आपको इधर गृह कार्य करना है। साइड में दिया हुआ है ना आपका गृह कार्य। आपको इधर गृह कार्य करना है, यहाँ पे ये शब्द आपको लिखने हैं। नाउ कम टू आवर सेकेंड एक्सरसाइज, शब्दार्थ। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज कौन सी है? शब्दार्थ। कक्कू का क्या मतलब होता है बच्चों? कोयल। छुटकी का छोटी, भक्कू का भड़कना, भोली का सीधी साधी। बच्चों आपको सेम यहाँ पे ये शब्दार्थ गृह कार्य में करने हैं। नाउ कम टू आवर रिमेनिंग वन, फिफ्थ इज सक्कू। सक्कू का क्या मतलब होता है? रोना। सिक्स्थ टिटोली। टिटोली का क्या मतलब होता है बच्चों? मजाक। जक्कू का क्या मतलब होता है? झगड़ालू। नाउ कम टू थर्ड एक्सरसाइज, वाक्य प्रयोग। पहला क्या है? कक्कू। कक्कू की आवाज बहुत मीठी होती है। कक्कू की आवाज बहुत मीठी, आवाज बहुत मीठी होती है। तो हमने क्या वाक्य प्रयोग करा? कक्कू की आवाज बहुत मीठी होती है। टिटोली। टिटोली का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था मजाक। राम और श्याम आपस में टिटोली करते रहते हैं। राम और श्याम आपस में टिटोली करते रहते हैं। थर्ड मिश्री। मिश्री बहुत मीठी होती है। मिश्री बहुत मीठी होती है। बच्चों हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है विलोम शब्द। पहला है दिन। दिन का क्या होता है विलोम शब्द? रात। दूसरा क्या है बच्चों? छोटा। छोटा का क्या होता है? बड़ा। तो बच्चों आपको सेम यहाँ पे भी गृह कार्य करना है। ये गृह कार्य लिखा हुआ है आपको सेम बच्चों इधर ये करने हैं दोनों विलोम शब्द।
तो बच्चों, आई होप आपको कविता समझ आई होगी और आपको ये सारा कार्य अपनी नोटबुक में करना है और कविता को अच्छे से पढ़ना है। नाउ यू ओपन योर बुक। नाउ वी विल स्टार्ट विद आर बुक एक्सरसाइज। लेट ओपन विद आर पेज नंबर 3। इन दिस चिल्ड्रन वी विल स्टार्ट विद आर फर्स्ट क्वेश्चन। तुम अपना नाम लिखो और बताओ तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम नैना है तो मेरे नाम का क्या मतलब है? आंखें। तो जैसे जो भी आपका नाम है आपको उसका मतलब लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम है विशाल। विशाल का क्या मतलब होता है? बड़ा। ओके चिल्ड्रन, लाइक दिस यू विल डू इन योर नोटबुक। तुम्हारे कितने नाम हैं? ये वाला क्वेश्चन आप अपनी बुक में ही करोगे। तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं? आपका प्यार वाला नाम कौन सा है? आपको तीन उसमें लिखना है। जैसे इसमें लिखा है प्यार वाला नाम कौन सा है आपका? चिढ़ाने वाला नाम कौन सा है? दोस्तों का दिया नाम कौन सा है? तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, प्यार वाला नाम आप इसमें लिख सकते हो। जैसे कोई आपको बुलाता है नोनू, और या फिर कोई आपको बुलाता है गोलू। जैसे चिढ़ाने वाला नाम क्या होगा आपका? जैसे कोई आपको चिढ़ाता है लंबू या फिर मोटू। और दोस्तों का दिया नाम क्या हो सकता है आपका? जैसे भोलू और छोटू। ठीक है बच्चों, आपको इस लाइन में लिखना है। अब हम आएंगे अपने तीसरे प्रश्न पे। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। जैसे पहला हमें दिया हुआ है गप्पू। क्या दिया हुआ है हमें पहला? गप्पू। तो बच्चों आप मुझे बताओगे गप्पू का क्या मतलब होता है? जो गप्पे हाँकने वाला होता है। गप्पू का क्या मतलब होता है? जो गप्पे हाँकने वाला होता है। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, ये तो बहुत गप्पू है। क्यों? क्योंकि वो गप्पे हाँकता होगा, इसीलिए हम बोलते हैं गप्पू। हम उन्हें शॉर्ट में एक नेम दे देते हैं। जैसे बच्चों दूसरा है भोली। क्या है दूसरा? भोली। तो भोली का मैंने आपको क्या बताया था? सीधी साधी। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? जो कुछ ना बोले या फिर जो सीधी साधी हो। दो चीजें आप लिख सकते हो उसमें भोली का। छुटकी, अगर हम किसी को बुलाते हैं छुटकी, तो हम क्यों बुलाते हैं? जो कद में छोटी हो या फिर जो छोटी लगे। गोलू, गोलू जो मोटा हो या फिर जो गोल मटोल हो, हम उसको बोलते हैं मोटू। तो बच्चों अब हम लोग फोर्थ पेज पे हैं। कम टू फोर्थ पेज। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली? जैसे उसमें इस बच्चे का नाम भक्कू था, झक्कू था और गप्पू था। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपका कौन सा दोस्त ऐसा है जो भक्कू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप इसमें दो दो नाम लिखोगे। जैसे भक्कू है तो आगे आपको लाइन दी हुई है, आप उसमें लिखोगे फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट श्याम, और क्या लिख सकते हो आप? सिया। ठीक है, अब दूसरा क्या है? झक्कू। दूसरा क्या है? झक्कू। झक्कू का क्या मतलब होता है? झगड़ालू। झक्कू का क्या मतलब होता है? झगड़ालू। तो इसमें भी आप अपने किसी दो दोस्त के नाम लिख सकते हो, जैसे सुरेश और रवि। जैसे सुरेश और रवि। गप्पू, गप्पू का क्या मतलब होता है? अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, जो गप्पे हाँकता है, जो गप्पे हाँकने वाला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गप्पू। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे आप इसमें लिख सकते हो नीरज और मीना, जैसे आप क्या लिख सकते हो नीरज और मीना, ठीक है बच्चों। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। हम उसको कभी कभी क्या कहते हैं फिर, कक्कू। तो बच्चों हम एक बार और इसे रिपीट करेंगे। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। इसलिए तो हम कभी कभी कहते उसको कक्कू। नाउ नेक्स्ट। कक्कू क्या है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो। तो बच्चों कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? कोयल तो बहुत मीठा गाती है, उसकी आवाज बहुत मिश्री जैसी मीठी होती है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, उसकी आवाज सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। पर जो कक्कू है वो इसके बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। वो बात बात पर चिढ़ जाता है और उसे गाना बिल्कुल भी नहीं आता। उसके साथ लोग प्रसन्न नहीं रहते, इसलिए बच्चों वो कोयल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों मैं आपको सारे सॉल्यूशन इसी में दूंगी। आप पहले ध्यान से क्वेश्चन आंसर्स को समझिए। तो बच्चों कम टू आर फिफ्थ पेज। नामों की रेल, ये एक रेल बनी हुई है। आपको इस पे नामों की रेल बनानी है। जैसे पांच पांच बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पहला दिया हुआ है राजू, देख सकते हैं आप। दूसरे में आप क्या लिख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आप दूसरे में लिख सकते हैं श्याम। आप तीसरे में क्या लिख सकते हैं, मीनू। फोर्थ डिब्बे में आप क्या लिख सकते हैं, रमन। बच्चों आप देख सकते हैं जैसे हमारे पांच डिब्बे हैं, जैसे पहले में क्या दिया हुआ है हमें, राजू लिखा हुआ दिया हुआ है। तो आप दूसरे डिब्बे में लिख सकते हैं, ये हमारा दूसरा डिब्बा है, आप इसमें लिख सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी अभी, शाम। तीसरा आप लिख सकते हैं मीनू, क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, मीनू। फोर्थ में क्या लिख सकते हैं आप, रमन। फोर्थ डिब्बे में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, रमन। और ऐसे ही आप फिफ्थ डिब्बे में लिख सकते हैं सिया। यहां आपको राजू दिया हुआ है, ठीक है, आपने दूसरे में क्या लिखा, श्याम, तीसरे में लिखा मीनू, और फोर्थ में लिखा आपने रमन, और फिफ्थ डिब्बे में लिखा आपने सिया। और फिर आपको बच्चों क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे उसी वर्णमाला को, बच्चों फिर आपको उसी वर्णमाला को यहाँ क्रम में लगाना है। जैसे वर्णमाला याद है ना, चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डैश दिए हुए हैं, आपको इस इधर लिखना है। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे राजू, फिर आप लिखोगे श्याम,
फिर आप लिखोगे मीनू, फिर आप लिखोगे रमन, फिर आप लिखोगे सिया, और आप अपनी मन से भी लिख सकते हो कोई भी पांच नाम, कोई भी अपने पांच। तो आया बच्चों आपको समझ में? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तब तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। अगर आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है? आपको इसमें लिखना है, इस प्रश्न में। जैसे कोई हमें चिढ़ाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, जैसे आपकी क्लास में कोई आपको चिढ़ाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको उसी बारे में इस प्रश्न में लिखना है। ये आपका गृह कार्य है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको कोई कक्षा में चिढ़ाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है और आपको बहुत गुस्सा भी आता है, पर हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो हमें जो लोग चिढ़ाते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसमें लिखेंगे, अगर आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है? और मेरा मानना ये है कि हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम किसी को चिढ़ाते हैं तो दूसरे को भी बुरा लगता होगा, जैसे अगर हमें कोई चिढ़ाता है तो हमें बुरा लगता है। तो हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको आंसर्स भी दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, थर्ड पेज पे मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हैं। जो भी आपको समझना है आप इसमें से देख के कर सकते हैं। ये हमारे बाकी के क्वेश्चन हैं बच्चों। जैसे जो हमारा कंटिन्यू पार्ट था, ये कविता की पंक्तियां हैं, और फिर हमें कौन सा दोस्त या फिर कौन सी सहेली को आप किस नाम से बुलाते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये रेल के डिब्बे वाला भी मैंने आपको दिया है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, वो भी लिखो। और फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों, आपको ये भी लिखना है अपनी नोटबुक में। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें जो मैंने आपको आंसर्स दिए हैं आप उसके थ्रू उसको पढ़ के भी लिख सकते हैं। सो आई होप चिल्ड्रन आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसे अच्छे से कंप्लीट भी। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, टेक केयर।